आपने देखा, अगर हम खाने से उत्साह को जोड़ें तो हम अच्छे से खाना खाते हैं तब भी हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। कई बार हम 9-9 दिन के व्रत रखते हैं, 30-30 दिन के रोज़े रखते हैं, खाना टाइम से खाते नहीं हैं, उसके बावजूद हमें बड़ा उत्साह रहता है। तो ये जो हमारे बॉडी के और मन के उत्साह को बनाए रखने का काम होती है। कई बार आप घर में बैठे हो, पूरे दिन टीवी देख रहे हो, लेकिन आप डिप्रेशन में हो, मन नहीं लग रहा। दूसरी बात, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया, आपको खाने के लिए भी टाइम नहीं मिला, पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम वायु करती है। जब आपकी वात सामान्य अवस्था में रहती है तो हमें अपनी बॉडी में एनर्जी फील होती है। वात अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रहती तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस्तेमाल किए हुए बिना जो आपके शरीर में गति होती है, यानी कि आपके रेस्पिरेशन का होना, हार्ट की मूवमेंट का होना, इंटेस्टाइन की मूवमेंट का होना, भोजन के डाइजेशन का होना, ये सारी जो गति होती है जिसको आप रेगुलेट नहीं करते, रेगुलेट कर सकते हो लेकिन नहीं करते, चॉइस है आपके पास कि नहीं करते, ये जो गति है ये वायु करती है। ठीक है, मैं चाहे जितनी कोशिश करूं लेकिन अपने हार्ट की गति को बंद नहीं कर सकती, वो पंप करेगा, धक 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 चलती रहेगी उसकी। मैं चाहे आपसे बात करूं, चाहे आपसे बात ना करूं, मैं चाहे उसे कंट्रोल करूं या ना करूं, लेकिन वो गति चलेगी। ये किसके कारण होती है? ये वायु के कारण होती है।